शिवसेना ने दिग्विजय सिंह को कुछ दिनों के लिए मुंह बंद रखने की सलाह दी है। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश सिंह से बातचीत में शिवसेना नेता संजय राउत ने क्या कहा वो भी देखिए। एक ट्वीट किया है जिसमें बीजेपी पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि जहां बीजेपी शासन में नहीं है वहां पर दंगा करवाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना के वरिष्ठ सांसद संजय राउत साहब हैं। क्या कहेंगे आप? दिग्विजय सिंह अगर इस प्रकार से बात करते हैं और जम्मू कश्मीर में आज जो हो रहा है उसका सीधा आरोप उनका अगर उनके उंगली बीजेपी के ऊपर है तो ये पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, ये पाकिस्तान के समर्थन में बोल रहे हैं और ये देश के लिए खतरा है ऐसे लोगों से। आज जम्मू कश्मीर में जो भी हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, लश्कर ए तोयबा ISI जिम्मेदार है, पूरा विश्व जानता है, हम भी जानते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह जैसे जो नेता है जो राजनीति में इतने सालों से काम करते हैं वो ही अब देश के लिए खतरा बन गए हैं। हमारी उनसे प्रार्थना है, हम एक प्रखर राष्ट्रवादी पार्टी है हमारी शिवसेना, हम उनसे हाथ जोड़ के विनंती करते हैं कि कुछ दिनों के लिए राष्ट्रहित के लिए राष्ट्र के सुरक्षा के लिए आप अपने मुंह को ताला लगाइए, देश पे बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। तो ये थे शिवसेना सांसद संजय राउत जिनका साफ तौर पे कहना है कि वे दिग्विजय सिंह से आग्रह करेंगे कि कुछ समय के लिए अपना मुंह बंद रखें। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह इंडिया न्यूज़ दिल्ली। संजय राउत कहते हैं दिग्विजय सिंह अपने मुंह पर ताला लगाए देश के ऊपर बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्रह चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कहा है कि इस बात में कोई शक नहीं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती वहां दंगे होते ही हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सीधे तौर पर कहा है कि जहां बीजेपी शासन में नहीं है वहां दंगा करवाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चतुर्वेदी जी हैं। चतुर्वेदी, क्या आप सहमत हैं? दिग्विजय सिंह जी ने कह ना दिया है और ये तो उनके कहने न कहने से भी फर्क नहीं पड़ता है, इतिहास साक्षी है। सांप्रदायिक आधार पर पोलराइजेशन कराने के लिए, ध्रुवीकरण कराने के लिए जहां भाजपा की सरकार नहीं होती है वहां दंगे होते कराए जाते हैं, जहां इनकी सरकार बन जाती वहां दंगे नहीं होते फिर, क्योंकि फिर इन्हें ध्रुवीकरण की जरूरत नहीं होती। ये पुराना हथकंडा है भाजपा का, RSS का, विश्व हिंदू परिषद का,